14 फसलों का MSP बढ़ाया, ये PM साहब को धन्यवाद। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद कि कांग्रेस के लोगों ने तो खाली बात करी 50 साल के अंदर, लेकिन किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 6000, अरे यार बैठ जाना, क्या तकलीफ है तेरे, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आपसे बात तो बोलनी नहीं है, आप बोले, ये पहली बार 6000 रुपए किसानों के खाते के अंदर पूरे देश के अंदर गए। और मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि पहली बार देश के अंदर कर्ज माफी के लिए जो किसान आंदोलन थे देश के अंदर, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनी। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री जी ने आंशिक रूप से लागू की। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान का मेरे एक किसानों के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। ये रबी 2018 में चना व सरसों की समस्त भंडारण रसीदें नेफेड को उपलब्ध करवा दी गई थी और नेफेड द्वारा 47.23 करोड़ की राशि जारी कर दी गई। 92.94 करोड़ रुपए की राशि अभी बकाया दिल्ली की सरकार, वो पैसा राजस्थान सरकार को भेजे। इसी तरह खरीफ 2017 मूंग उड़द व सोयाबीन के पेटे नेफेड द्वारा 30.32 करोड़ के विरुद्ध 3000.14 करोड़ जारी किए। इस प्रकार कुल 122.67 करोड़ की कुल राशि नेफेड अभी तक प्राप्त होना बाकी है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का सर, अध्यक्ष महोदय मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त राशि को शीघ्रता से राजफेड राजस्थान को जारी करे ताकि किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपज बेची गई उसका भुगतान उन्हें मिल सके और जिला सहकारी संस्थाओं ने समर्थन मूल्य पर खरीद करे एजेंसी के रूप में कार्य किया उनकी बकाया राशि भी उन्हें मिल सके। क्योंकि एक मिनट सर, किसानों के हित में जिन संस्थानों ने खरीद का जिम्मा उठाया उन संस्थाओं की भी राशि रुकने से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। साथ में अनुरोध करता हूं सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि किसान जिस दिन समर्थन मूल्य पर उपज बेचे 3 दिन के अंदर